कहाँ से आई ये रिंग? किसने पहना ये रिंग? काफी महंगी लग रही है ना. वाओ कितनी प्यारी रिंग है, किसने दी बताए ना प्लीज. अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या. कहाँ से आई ये रिंग? किसने पहना ये रिंग? काफी महंगी लग रही है ना. वाओ कितनी प्यारी रिंग है, किसने दी बताए ना प्लीज बताए ना. वासे ने. वासे? वही जो आपके ऑफिस में होता है? हाँ. हाय, इसका मतलब है बहुत जल्द मेरी आपसे जान छूटने वाली है. हाँ, फिर उसके बाद इस कमरे में, इस सारे घर में सिर्फ मेरी राज होगा और मैं एक प्रिंसेस की तरह रहने वाली हूँ. वाओ, वैसे शादी कब है? अभी. दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं. एक मिनट, क्या मतलब अभी इरादा नहीं है? मतलब ये कि अभी तो वासे ने सिर्फ मुझे प्रपोज किया, उसने अपने घर वालों से बात नहीं की. हाँ तो वो भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है. उन्होंने आप जैसी लड़की को प्रपोज किया, सबसे बड़ी चीज तो यही थी ना. देखो रमशा, वो बहुत अमीर लोग हैं, मतलब उनका स्टेटस बहुत हाई है. हाँ तो हम भी कोई गए गुजरे नहीं है, हम भी जायदाद वाले हैं. तुम समझ नहीं रही हो, वासे के जो वालिद हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो नो चांस. ये सब कुछ आपका हेडेक नहीं है, ये सब कुछ आप वासे भाई को हैंडल कर लेने दें. अगर आपकी शादी इतने बड़े घर में हो गई तो सकलैन भाई का गुरूर तो मिट्टी में मिल जाएगा ना. उन्होंने जो अपना रोब झाड़ा हुआ है ना, अरे बापी और अम्मी पे सबसे ज्यादा जलेंगे वही. देख लीजिएगा आप मेरी बात. कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम, बुराई में किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता पागल.